टेलरिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लाउज का प्रॉपर साइड फिटिंग कैसे करते हैं, जिससे कि ये वाले दोनों जॉइंट है जो स्लीव्स के आर्महोल के, वो कैसे एक जितने ही बराबर आए। क्योंकि बहुत से लोगों ने मैंने कमेंट में बताया है मुझे कि ये बहुत से लोगों के जॉइंट बराबर नहीं आते, क्योंकि इसके पहले भी एक कैसे फिटिंग करते हैं साइड फिटिंग, उसका वीडियो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन उसमें ये नहीं बताया है। तो आज ये इसके लिए, इसके कारण क्या होते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे होता है, तो वो देखेंगे और कैसे उसको ठीक करते हैं वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं ये कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपके जॉइंट ऊपर नीचे होते हैं और बराबर फिक्स नहीं होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो कटिंग किया हुआ होता है वही परफेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे कटिंग के बहुत सारे वीडियोस हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और फिर भी अगर कटिंग परफेक्ट है आपका और फिर भी ये ऊपर नीचे होता है, तो क्या करना है कि जब हमें यहाँ पे स्लीव्स लगाने होती है, तो अब हमको सब स्टिचिंग कर लिया है, सिर्फ स्लीव्स लगानी बाकी है, तब सबसे पहले तो हमें स्लीव्स का ये दोनों पार्ट है जो ये यहाँ से मिला के देख लेना है, ये अप डाउन नहीं होना चाहिए। देखिए, ये यहाँ से एकदम परफेक्ट रखना है और फिर यहाँ से देखना है, तो ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हो, देखिए इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का है, ज्यादा नहीं है, तो जहाँ हमारी ये साइड की फिटिंग की स्टिच आने वाली है वहां तक ये दोनों को एक जितना ही सेम रख के कटिंग कर देना है। देखिए ऐसे कटिंग करके, अगर थोड़ा छोटा बड़ा आपको लगे तो कटिंग करके इसका शेप ठीक कर लेना है पहले। देखिए, तो ये ऊपर नीचे का पार्ट दोनों यहां से लेके यहां तक एक जितना हो गया, तो इसमें अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये दोनों स्लीव्स में वैसे कर लेना है सेम कटिंग। देखिए, स्लीव्स ठीक हो जाने के बाद अब हमें आगे के पार्ट में भी वैसे ही देख लेना है कि यहाँ आर्महोल से लेके यहाँ, देखिए हमारा चेस्ट का मार्किंग है, तो यहाँ पे हम स्टिच लेने वाले हैं, तो यहां से लेके यहाँ इसको एकदम परफेक्ट रख देना है बराबर, और फिर यहाँ देख लेना है। देखिए, यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा सा, तो इसमें तो देखिए नीचे पट्टी लग गई है। अगर पट्टी नहीं लगी हो तो इसको दोनों को एक ही मेजरमेंट से जहां तक हमारी ये कमर की स्टिच आने वाली है यहाँ तक, वैसे कटिंग कर सकते हैं। और कोई कोई ब्लाउज में ऐसा है कि बॉर्डर होती है, तो नीचे का पार्ट हम कटिंग नहीं कर पाते, तो फिर इसको नीचे से दोनों पार्ट को बराबर रख देना है एकदम, और ऊपर या नीचे दोनों में से जो भी पार्ट आपको लंबा लग रहा हो उसको आप कटिंग कर सकते हैं थोड़ा सा आर्महोल से भी। तो आर्महोल से कटिंग थोड़ा सा हल्का हल्का करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिटिंग तो बराबर ही आएगा। देखिए ऐसे करके, ये यहाँ हमारा मार्किंग था साइड स्टिचिंग का, तो वहाँ लगा देना है। तो ये दूसरा तरीका हुआ। फिर तीसरा तरीका क्या है कि देखिए, अगर आपको यहाँ से परफेक्ट बराबर रखा हुआ है मेजरमेंट, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें भी ऊपर नीचे हो रहा है, वैसे ऊपर नीचे हो रहा हो, तो आप यहाँ पे जो टक्स हमने ये लगाया हुआ है वो थोड़ा सा खोल सकते हैं। तो वो टक्स थोड़ा सा खोलेंगे आगे के पार्ट का, तो ये दोनों ऐसे बराबर आ जाएंगे। और फिर अगर ये आगे का भाग लंबा हो और ये पीछे का छोटा हो, तो ये जो हमारा डार्ट लगाया हुआ है जिसको हम टक्स बोलते हैं, तो उसको थोड़ा सा स्टिचिंग में दबा देंगे इतना, तो ये आगे का पार्ट छोटा हो जाएगा। वैसे ही ये देखिए छोटा, इतना हम दबा देंगे तो छोटा हो जाएगा। और फिर वैसे ही जो कटोरी वाला ब्लाउज होता है या यहाँ बेल्ट वाला ब्लाउज होता है, उसमें भी क्या ऐसे हो तो थोड़ा सा यहाँ जो बेल्ट लगा हुआ होता है उसकी स्टिचिंग हम खोल सकते हैं, या उसमें टक्स के जैसे ही थोड़ी सी लगा भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो ये आप पहले कर लीजिए, देखिए जहां से भी प्रॉब्लम है, ये इतनी सॉल्यूशन मैंने बताई वो सारी सॉल्यूशन कर लेनी है, उसके बाद इसको स्लीव्स को इसमें अटैच करना है। ये बिना नाप किए हुए आप स्लीव्स अटैच कर देंगे, और कभी यहां से लंबा छोटा होगा या स्लीव्स का ये दोनों पार्ट लंबा छोटा होगा, तो आपके ज्वाइंट नहीं मिलेंगे। देखिए इसमें भी यहां से बराबर रखा है, तो ये नीचे वाला पार्ट बड़ा है और ये छोटा है, तो ऐसा होता है कभी कटिंग में या स्टिचिंग में भी हमसे कहाँ कभी कभी कम ज्यादा स्टिच आ जाती है, तो इसकी वजह से ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये जॉइंट एकदम प्रॉपर मिलते नहीं हैं।
अब हमें इसको स्टिच कर देना है, स्लीव्स लगा देनी है। तो स्लीव्स लगाते टाइम भी ये ध्यान रखना है कि देखिए अब हम यहाँ से स्टिच करना चालू स्टार्ट करते हैं तो यहाँ जितनी स्टिचिंग ली हुई है, दबाया हुआ है कपड़ा, उतना ही पूरी स्लीव्स में दबाना है, या लास्ट में जब हम स्लीव्स को ख़त्म करते हैं वहाँ पर भी उतना ही आना चाहिए स्टिचिंग में सिलाई, तो बराबर होगा। देखिए तो ये हमारी स्लीव्स लग गई है और यहाँ पे दोनों साइड मतलब एक जितनी ही स्टिचिंग आनी चाहिए, और फिर भी आप चाहें तो एक बार वापस नाप करके देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ से स्लीव्स को एकदम बराबर रख के आप यहाँ पे नाप कर लीजिए और फिर यहाँ पे नीचे तक देख लीजिए, और फिर आपको देखिए ये यहाँ पे इतना लंबा छोटा दिख रहा है ऐसा लगे तो आप थोड़ा सा और भी यहाँ से पीछे की साइड से थोड़ी स्टिचिंग ज़्यादा ले सकते हैं, या फिर यहाँ से इस साइड से आप चाहें तो अगर लगे कि ज़्यादा आ गई है तो थोड़ी सी खोल सकते हैं। तो वैसे भी आप लग जाने के बाद भी देखिए आपसे गलती हो तो आप ऐसे स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये स्टिचिंग लगाने से ये एकदम ठीक हो जाएगा। अब इसको साइड फिटिंग कर देना है, तो यहाँ से देखिए मैंने साइड फिटिंग कैसे करना है उसका वीडियो तो ऑलरेडी बनाया हुआ ही है, तो उस वो देखना हो ज़्यादा डिटेल में तो आपको वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी आप इसमें भी देख सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा स्पीड वाला तरीका यूज़ करूँगा, ज़्यादा वो डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए दूसरी साइड भी हम लगा रहे हैं, और ये जब हम कवर करने के लिए स्टिचिंग लगाए तब भी देखना है कि ये दोनों जॉइंट आमने सामने आने चाहिए। अगर ये दोनों आमने सामने नहीं आ रहे हैं जॉइंट तो समझ लीजिए कि अभी भी कुछ गड़बड़ है, तो आप वापस से थोड़ा सा खोल के देख सकते हैं, तो वो दोनों जॉइंट पहले से लेकर लास्ट तक फिर सामने सामने आने चाहिए तभी ये जॉइंट मिलेंगे, नहीं तो फिर वापस गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए हमने कवर के लिए ऐसे स्टिचिंग लगाई जो हम नॉर्मली लगाते हैं वैसे, और फिर ये अंदर से देखिए ये दोनों जॉइंट मिले हुए ही हैं, और फिर यहाँ से एक जो आधे इंच दूरी पे हम लगाते हैं स्टिचिंग वो लगा देनी है, और उसके बाद कमर का मेजरमेंट लेके साइड फिटिंग कर देना है। और आप यहाँ पे ऐसे उंगली रखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि नीचे का जॉइंट कहाँ है और ऊपर का कहाँ है, तो दोनों एक जितना ही रहना चाहिए। देखिए तो ये साइड वाली स्टिचिंग लग जाने के बाद इसका कमर का मेजरमेंट कर लेना है, वैसे इसकी कमर 32 है तो कितनी आ रही है वो देखते हैं, तो 1.5 इंच का ही इसमें मार्जिन है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये रेडीमेड ब्लाउज था और ठीक करने का था, तो 1.5 में हम 4th पार्ट करेंगे तो 0.5 इंच में थोड़ा सा कम होगा, तो वहीं से हम इसमें यहाँ स्टिचिंग लगा देंगे। और जो चेस्ट का मार्किंग है वो हमारा यहाँ पीछे किया हुआ ही है तो उसका भी यहाँ पर आ रहा है, तो और यहाँ पे आप ऐसे हाथ रख के देख लीजिए दोनों जॉइंट एक साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ पे पकड़ लीजिए ऐसे और फिर इसको स्टिच लगा दीजिए। देखिए और इसकी बॉटम 6.5 की है स्लीव्स की, तो ये भी यहाँ से 6.5 का मेजरमेंट करके एक मार्किंग कर देना है, और फिर इसमें अंदर आप मार्जिन के लिए 1-2 सिलाई लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। देखिए और तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही फिटिंग कर देना है। अब हम बाहर देखते हैं इसको कि हमारे जॉइंट मिले हुए हैं कि नहीं, देखिए एग्जैक्ट हमारे सारे जॉइंट मिल गए हैं, ये एकदम नॉर्मल हल्का सा ऊपर नीचे है उतना चल सकता है। तो ऐसे आप अब कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे तो आपके ये शोल्डर मतलब ये स्लीव्स के यहाँ के जॉइंट एकदम परफेक्ट मिले हुए आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।